हमारे हिमाचल को यार गंदा ना करे, आपसे यही डिमांड है। एंड रास्ता यहाँ पे खतरनाक सा होता है, और नीचे पार्वती है भाई साहब, तो पार्वती से बच के रहना यार भाई साहब। बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े बस गायब हो जाते हैं इस पार्वती रिवर में, तो ध्यान से यहाँ पे ड्राइव करें भाई साहब। खतरनाक सी गली गली से हम निकलते हुए, तो भाई यहाँ पे चौकी के पास निकलेंगे आई थिंक। सो तो कैसे आप लोग, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भाई आज हम जाएंगे थोड़ा सा राइड करने, आप लोगों को तो पता काफ़ी दिनों से हमने वीडियो भी नहीं डाला है, तो आज फाइनली वीडियो डालने का दिन है। तो इसी के साथ में गाइस अभी हम निकल रहे हैं भाई साहब वर्कशॉप की तरफ, तो देखने वाली बात है कि भाई क्या सीन है भाई साहब। सोचो यार यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला सीन हो रहा है। चलो कोई ना, भाई शर्मा जी हमारे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं भाई। तो जिन्हें भाई लोग देख रहे हो तो जल्दी जाके लाइक कर दो, एंड आप लोग भी कुल्लू मनाली से हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर देना यार, एंड आप लोग भी हमारे साथ यहाँ पे राइड ज्वाइन कर सकते हो यार। आप जब भी बोलोगे तब हम एक राइड का ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड कौन कौन करना चाहता है भाई साहब राइड। यहाँ पे शर्मा जी आते हो, क्या बात है। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा राइड मारने। ओ भाई साहब एक है, ओ भाई तगड़े यहाँ पे ट्रक आ रहे भाई कुल्लू मनाली में। ओ भाई कुत्ता तू कहाँ चला है। तो गाइस आज हम एक अलग ही रोड से आए हुए हैं, क्या बात है भाई। ये वाला रास्ता देखते गाइस यहाँ पे निकलता है या नहीं, निकल तो जाएगा फुल उम्मीद है क्यों। तो भाई साहब खतरनाक सी गली गली से हम निकलते हुए, क्या बात है भाई। यहाँ पे काफी घर घर बन रहे हैं, यहाँ से सीधा। तो भाई यहाँ पे चौकी के पास निकलेंगे आई थिंक। सो क्या बात है शर्मा जी, वाओ। तो भाई मतलब कि काफी किलोमीटर यार ऐसे ही निकल गए एक छोटी सी इलाके से। आप लोगों के लिए यार ऐसा स्पेशल गेट बनाया जा रहा है यहाँ पे, क्या बात है, पुलिस स्टेशन। तो गाइस यहाँ पे हमें इस बंदे को यहाँ पे पुलिस स्टेशन छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा हमारा बुंतर पुलिस चौकी। तो गाइस यहाँ पे फूल आ चुके हैं जो कि तुम्हारा भाई बनाता है, मतलब कि मेरे को ऐसा सपने में प्रतीत हुआ था कि जैसा कि मैंने फूल बनाया भाई। तो गाइस यहाँ पे चेक करो ब्यास रिवर केम फ्रॉम रोहतांग दर्रा। आप लोगों ने कुल्लू मनाली वाली वीडियो देखी है या नहीं देखी है जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बता देना। अरे आगे क्या सीन है भाई, ज़्यादा ही ट्रैफिक लग रहा है। क्या बात है, वेलकम टू पार्वती वैली भाई। आज खतरनाक से यहाँ पे सीन हो रहे हैं। जी गिर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है पकड़ के रहो, एकदम पेटी बांध के रखो। ओके भाई जी, हमने कस के पेटी बांध ली कस के। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। ऑलमोस्ट यहाँ से भाई साहब एक पूरा तगड़ा सा सड़क था जो कि यहाँ पे पूरी एक मार्केट को अटैच करता था, बट आज देखो यार यहाँ पे भाई साहब ये तो बाइक में हमें जाना पड़ रहा है यहाँ पे, कोई ना। इतना मस्त रोड हुआ करता था बट आज यहाँ पे खंडर सा है भाई। भाई अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं भाई साहब पार्वती वैली को, एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई साहब मणिकरण का यहाँ पे रोड बताओ। तो भाई साहब आपको अभी दिखाते हैं यहाँ पे मणिकरण का रोड कहाँ से जाता है कहाँ से नहीं, एंड आप लोगों को एक प्रॉपर ट्रिप भी दिखाएंगे मणिकरण की कसोल की, एंड काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं तो जल्दी दिखाएंगे। आई होप सो आप लोग भी यार ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, क्या बात है। हम आपको स्पेशली यहाँ पे जितने भी बंदे मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जल्दी जाके फॉलो कर दो। जब भी हम जाएंगे तो भाई साहब एक स्टोरी डालेंगे कि हम आज जा रहे हैं मणिकरण कसोल को, एंड चेक करो गाइस यहाँ से जो यहाँ से स्ट्रेट रास्ता जाता है ना बिल्कुल भाई साहब वो ही जाता है यहाँ पे मणिकरण को, एंड चेक करो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देते भाई क्या 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 सीन है। हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से एक टर्न लेना पड़ेगा, तो गाइस फिर आप जा सकते हो डायरेक्ट यहाँ से मणिकरण की तरफ को, जैसा कि हम लोग जा रहे हैं अभी मणिकरण की वादियाँ। यहाँ से स्टार्ट होता है भाई साहब मणिकरण कसोल, क्या बात है। तो कुछ ऐसा सा रोड आता है, कुछ ऐसी ऐसी जगह आती है
चेक कर सकते हैं आप लोग। वाही साहब। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा ट्रैफिक तो अभी होता नहीं है। ए भाई साहब, तो यहाँ पे ध्यान से ही जाना पड़ता है। एंड चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ के पहाड़ कुछ कुल्लू के पहाड़ों से अलग ही होते हैं। जो हमारे एरिया में पहाड़ है ना भाई, उससे अलग ही होते हैं। और ऐसे ऐसे गड्ढे आपको मिलते जाएंगे हल्के फुल्के। क्या बात है, यहाँ के पहाड़ बिल्कुल एकदम पथरीले होते हैं यार, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। भाई साहब, सुबह सुबह यार हम यहाँ पे एक ब्लॉग बनाने आए हैं, क्या बात है। जहाँ पे ये पैंथर वाला घर दिख रहा है ना आपको नीचे येलो कलर का, आप लोगों को यहीं से पता लग जाएगा कि आप मणिकरण की तरफ जा रहे हो या भुंतर की तरफ आ रहे हो। तो गाइस इस पैंथर वाले घर को देख के बहुत ज़्यादा सही लगता है। एक तो आप लोगों को दिखाना था यार, एक बंदे ने कमेंट किया था कि पार्वती का रोड कहाँ से है, तो आप लोगों को दिखाया जा रहा है। चेक करो गाइस यहाँ पे एक्सपल्स वाले भाई को, भाई फुल पावर। हम तो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम तो जस्ट आप लोगों को दिखाने आए थे। ओ भाई साहब, राइडर ऑन सिटी, क्यों शर्मा जी भाई, काफ़ी ढावे ढूंवे निकले हैं भाई। आप लोगों को यार एक कसोल की राइड तो दिखानी पड़ेगी जल्दी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में बन के लाइक कर दिया भाई साहब, आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाएंगे हम कसोल की राइड, बहुत ही खतरनाक वाली। 7-8 बंदे जाएंगे हम एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले तो मैं सोच रहा हूँ मनाली का दिखाऊँ आप लोगों को, मनाली के लिए देखते यार। भाई कुत्ते कैसे देख रहे हैं, जैसे कि कोई खा जाएगा भाई। आप लोगों को कसोल की वादियाँ कैसी लग रही है भाई, अभी हम वैसे पहुँचे नहीं कसोल। चेक करो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे रोड भाई, अभी तो यहाँ पे धूप भी नहीं निकली हुई है भाई। मज़ा है यार यहाँ पे एकदम ठंड का, बहुत ही सही, बहुत ही गुड फीलिंग। चेक करो गाइस यहाँ पे भाई, बस भी है यहाँ के लिए। तो ऑलमोस्ट कितना किराया लेती होगी यहाँ के बस, अगर आप लोग आना चाहते हो बस में, तो ऑलमोस्ट 100 रुपये के किराए के अंदर आप जा सकते हो बस से ट्रैवल करके। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर होगा यहाँ से कसोल। क्या बात है भाई साहब, गाइस यहाँ पे पहाड़ कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, चेक करो। एंड रास्ता यहाँ पे खतरनाक सा होता है, और नीचे पार्वती है भाई साहब, तो पार्वती से बच के रहना यार। यहाँ पे तैराक भी काम नहीं आते हैं। मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है हमें यहाँ पे राइड करते करते हुए भाई, क्या बात है, कसोल की बात ही कुछ अलग है। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे छन्नीखोड़ में। एंड चेक करो गाइस यहाँ पे एक साइड वाइज साहब यहाँ पे पार्वती बहती हुई, और दूसरी साइड यहाँ पे जम्बाल बस चलती हुई। एंड चेक करो गाइस यहाँ से, अब दिखाएंगे आपको हम पार्वती का सीन। भाई साहब जिधर को बस जा रही है हम भी उधर को जाएंगे भाई, क्या बात है। गाइस वहाँ पे दो मंकी दिख रहे होंगे आप लोगों को, जूम करके डाल दूंगा। ओ भाई साहब डर रहे भाई साहब एकदम, बहुत ज़्यादा प्यारा नज़ारा भी है इसी के साथ में। गाइस अगर आप लोग भी चाहते हो कसोल लाना तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें, एंड आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो भाई साहब हम आप लोगों को अच्छे से घुमाएंगे कसोल में। एंड प्लीज़ अभी हम यहाँ पे शर्मा जी के साथ यहाँ पे छन्नीखोड़ में, जो कि पड़ता है पार्वती वैली में। एंड चेक करो गाइस यहाँ पे क्या ही नज़ारा है। और इसी के साथ में गाइस हमें यहाँ पे बैठ के बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे ऐसा सीन है कि हमारे पीछे भी पहाड़ है और पीछे भी पहाड़ है, एंड बीच में नदी है प्यारी सी। एंड चेक करो गाइस यहाँ पे, इसे कहते हैं पार्वती नदी। एंड यहाँ पे काफ़ी यार मोंकीज भी है, उनसे डरने की बात तो वैसे है नहीं, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है यहाँ पे हनुमान जी का भी होना। भाई साहब ये पार्वती यार इतनी छोटी सी दिखती है ना, बहुत ठंडी है भाई साहब, इतनी ठंडी है कि आपको जमा सकती है 2 सेकंड में। क्या बताऊँ आप लोगों को यार, इसमें गिरने की गलती बिल्कुल भी मत करना, इसमें भाई साहब बंदे मिलते नहीं यार ढूंढ ढूंढ के। आप लोगों को लग रहा होगा कि कम पानी वाली है भाई, ऐसा नहीं है, बंदे इसमें गिर जाते हैं तो भाई सब तैराक भी यहाँ पे काम नहीं आते हैं। तो चलो कोई ना, तो गाइस अब हम जाएंगे अपने घर को वापस। एंड चेक कर सकते हैं यहाँ पे शर्मा जी, शर्मा जी जैसा कहा बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे बंदे गिर जाते तो मिलते नहीं है भाई, बिल्कुल यहाँ पे जो एक बार चले जाता है। हाँ जैसे जाते हैं कुछ एक, हाँ मैक्सिमम यहाँ पे गायब हो जाते हैं भाई सब, बड़े बड़े ट्रक बड़े बड़े बस गायब हो जाते हैं इस पार्वती रिवर में। तो ध्यान से यहाँ पे ड्राइव करें, और यहाँ पे नशे नुशे करके बिल्कुल भी मत आए, एंड बहुत ही ज़्यादा गलत सीन है भाई साहब वो नशे करने वाला। और हमारे हिमाचल को यार गंदा ना करें, आपसे यही डिमांड है।
तो अब आपको मिलते हैं डायरेक्ट मोटो ब्लॉग में। यहाँ पे व्यू चेक कर सकते हो भाई साहब, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे मणिकरण नारे हो तो गाइस आप लोग यार मोटे कपड़े पहन के आना आजकल के मौसम में। एंड इसी के साथ में गाइस आप लोगों को नज़ारा कैसा लग रहा है, तो गाइस यहाँ पे बस भी रुकी हुई है आई डोंट नो काहे को, तो भाई यहाँ पे अलग ही लेवल का एक जंप था। और इसी के साथ में यहाँ पे ट्रैफिक भी यार काफ़ी आ रहा है। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जल्दी जाके लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। साइनिंग ऑफ संजय जोई।